सबको तौफीक है ज़ियारत दे। दिलहिज की 11वीं तारीख को हाजी मीना से रुख्सत होने से पहले दोबारा रमी जमरात करने आते हैं। आज तीनों सुतूनों पर साथ साथ कंकरियां मारना वाजिब है। इस तरतीब से पिछले शैतान पर, फिर पहले पर और आखिर में दरमियानी पर। अगर नशाना चूक जाए तो दोबारा कंकरी मारी जाती है। आदमियों की इतनी भीड़ और धूप की तेजी की वजह से लोग भदवास होते हैं, इसलिए अक्सर नशाना गलत हो जाता है और कंकरियां बजाय सुतूनों पर पड़ने के दूसरे हाजियों के सरों पर पड़ जाती हैं। इस तरह फिर नशाना लगाना पड़ता है। ये कंकरियां भी पहले ही मशरुल हराम से चुनकर जमा कर ली जाती हैं। ये तीनों सुतून उन तीन मकामात के निशान हैं जहां जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बहकाने की कोशिश की। उन्होंने उस मरदूत के साथ कंकरियां मारी जिससे वो मलून जमीन में धंस के रह गया। इसी तरह तीन बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साथ साथ हाजियों का साथ साथ कंकरियां मारना हजरत इब्राहिम की यादगार है, ताकि हर हाजी को ये याद रहे कि शैतान के बहकावे में कहीं न फंस जाना और राह रात से न भटक जाना। हाजियों का क्याम तीन रोज तक मीना में रहता है। इन दिनों में मकामी बाजार की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाजार बैनुल अक्वामी नुमाइश नजर आने लगता है। दुनिया के हर मुल्क का खास और उमदा माल यहाँ मिल सकता है। मकामी दुकानदारों के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों के ताजिर भी होते हैं जो हज करने आते हैं और अपने मुल्क की खास चीजें भी साथ लाते हैं। इंसानों का एक समंदर है। इनके सर यूं नजर आ रहे हैं कि जैसे समंदर में तूफानी मौजें उठ रही हों। औरतों और बूढ़ों को ऐसी हालत में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी का ख्याल बाजुओं में जोश पैदा कर देता है। अकीदे की पुख्तगी हर मुश्किल को आसान कर देती है। आपको इस मजमे में हर मुल्क, हर रंग, हर सिंह और हर उम्र के लोग नजर आएंगे। मर्द और बूढ़े, जवान, गोरे, सांवले, जर्द और सियाफाम। मीना का मैदान एक चलता फिरता चमन सा नजर आता है जिसमें हर रंग का फूल हो। हर चीज जुदा जुदा, मगर जिस तरह वो काम एक कर रहे हैं, इस तरह उनके दिलों में भी एक नूर ईमानी, एक हालत और एक ख्याल दिल में लिए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐ खुदा तू अजीम, तू वाहिद है, तू बड़ा है। पिछली खताओं को दरगुजर कर आइंदा नेक रहने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तेरी रहमत बेपाया है। रहमत पर तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा हूं, जानता हूं तू बंदा नवाज है। रमी जमरात के लिए हर शख्स दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है। इस तरह जोश में आना और शैतानों को कंकरियां मारना अजीब नजारा पेश करता है। मीना में हाजियों के ठहरने का मसला अब भी तवज्जो करने के काबिल है। तमाम खेमे और वो इमारतें जो हासिल कर ली जाती हैं, उनमें भी एक की जगह कई कई आदमियों को मजबूरन ठहराया जाता है, फिर भी एक बड़ी तादाद यूं ही रह जाती है। मीना में यह है मस्जिद खीफ। ये इतनी ही कदीम है जितना दीन इस्लाम। हुजूर सरवरे आलम ने अपने सहाबियों के साथ कई बार इस मस्जिद में नमाज जमात अदा फरमाई है। मस्जिद का सहन काफी बड़ा है, जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है। मस्जिद के सहन में एक गुंबद है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि यह हजरत के ठहरने का हुजरा था जिसमें हजरत ने तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई थी। नहीं वो खाक के जर्रा शर की अजमत के, ये सब अमीन है मीरा से आदमीयत के। नलों में पीने का पानी ज्यादातर बावलियों से हासिल किया जाता है। बावलियां ईरानी तत्व की और सैकड़ों साल पुरानी हैं। एक बहुत ही खास और मशहूर बावली भी है। ये बावली अब्बासी खलीफा हारून रशीद की जौजा मलिका जुबैदा ने बनवाई थी, जो आज तक उसी के नाम से मशहूर है। हाल में सऊदी अरब की हुकूमत ने जदीद तरीकों से पानी हासिल करने का भी माकूल इंतजाम किया है। मुतअद्दी यानी फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम का भी खास इंतजाम है। सऊदी हुकूमत की वजारत सेहत की तरफ से एक कैंप कायम कर दिया जाता है। इस महकमे के लोग दिन में कई बार आकर तमाम दुकानों में, खेमों में, इमारतों और मकानों में दवा छिड़क जाते हैं। अभी
अभी तक पूरे हाजियों से रमी जमरात का फर्ज अदा नहीं हुआ है। देखिए तो किस जोश व खरोश से हाजी तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। शैतान कंकरियों में डूब गए हैं। यूं लगता है जैसे शैतान लानत के समंदर में गर्क होकर रह गया हो। मीना के सब आमाल बजा लाने के बाद हाजी बैतुल्ला शरीफ की तरफ लौट रही हैं ताकि खाने खुदा का रुखसती तवाफ कर लें और जो नमाजें खास तौर पर मुकर्रर हैं उन्हें अदा कर लें। मीना से मक्का शरीफ 12 किलोमीटर दूर है। इस मुकद्दस तरीन और पाक मकाम पर खास लुत्फ आता है। मोटर कारों और बसों को भीड़ की वजह से रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है, इसलिए पैदल चलने वाले और मोटरें करीब करीब साथ ही मक्का शरीफ पहुंचते हैं। तेरे एहकाम पर चलते रहे हम, तेरे एहकाम पर चलते रहे हम, यही है मुद्दा दिल का हमारा, यही है मुद्दा दिल का हमारा, करीमा दावरा परवर दिगारा। हम एक बार फिर मस्जिदुल हराम के दरमियान काबर मौजम की जियारत के लिए हाजिर हुए। मस्जिदुल हराम की वसी इमारत के दरमियान काबा दिल की हैसियत रखता है। मस्जिदुल हराम के वसी सहन में सफेद कपड़े के थान फैले हुए हैं। ये थान काबे के पर्दे से मस किए जाते हैं और इन पर जमजम का पानी छिड़का जाता है। हाजी इस कपड़े को ले जाते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें इसी कपड़े का कफन दिया जाए। मौत बरहक है कि जो भी है वो फानी है। खाने खुदा जिसकी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और हुजूर अकरम ने इसकी तकमील फरमाई। मस्जिदुल हराम के सहन में बहुत आला दर्जे के कीमती संगमरमर का शानदार मिंबर है जो तुर्की के उस्मानी सलातीन का बनाया हुआ है और यह है मकाम इब्राहिम। कहते हैं कि वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खड़े होकर अपने हाथ से काबे की दीवार बनाई थी यही मौजूद है। यह हजर अस्वद है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से काबे की दीवार के दो पायों के दरमियान नस्ब किया। काबे का गिलाफ सियाह रंग के मोटे बुने हुए रेशम का पर्दा है जो खाने खुदा को अपनी आगोश में लिए हुए है। ये काबे के ऊपर से नीचे तक चारों तरफ लिपटा हुआ है। इसमें बड़ी कारीगरी से बुनाई में नहायत खुशखत कुरानी आयतें तहरीर की गई हैं। आयतें वही हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हज के अहकाम और तमाम दुनिया के मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की तालीम देती हैं। ये पूरा पर्दा हाथ का बना हुआ है। इस फिल्म की तैयारी के मौके पर जब हमारे कैमरामैन ने मस्जिदुल हराम की अक्कासी शुरू की तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन यकायक बादल आने शुरू हुए और देखते ही देखते सारा आसमान बादलों से ढक गया। मुश्ताक तजल्ली को बस एक तजल्ली दे, बढ़ जाए तरफ दिल की कुछ ऐसी तसल्ली दे, मुश्ताक तजल्ली को बस एक तजल्ली दे। उसी वक्त जबकि मस्जिदुल हराम के दालानों में हाजियों की सफे कायम हो गईं और तकबीर की आवाज बुलंद हुई, खुदा की रहमत नाजिल होना शुरू हो गई। पहला खतरा गिरा, यह भी खुदा की मर्जी थी। जो लोग मस्जिदुल हराम के सहन में थे और काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे वो भी नमाज की सफों में शामिल हो गए और असर की नमाज शुरू हो गई। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ उसके लिए है जो सब जहानों का पर...